कर रहे बाल ठून दसा मारी देनी माऊ ये चाह यूं छड़ रहा नहीं चाह के तेरे दाद दूध को अब तू ये बिल्कुल तेरे पापा ठीक हो मैं तुझे नहीं है अकल बुद्धि ना कुछ भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। सो अभी के लिए जो है ना मैं ये जो ना अभी मैंने दाल रखी है राजमा और काले चने की, तो मैं दाल चावल बनाऊंगी दिन को ना, तो उसके लिए पहले इसको उबाल रही हूँ। और अभी मैं थोड़े से काम कर लेती हूँ, छोटे मोटे झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको। दोस्तों गर्म पानी पी लेती हूँ मैं ना, और आज का मौसम भी बहुत अजीब है, मतलब अजीब के मतलब धूप वगैरह है नहीं और बारिश वगैरह बताई हुई है, एक दिन तो देखते हैं होती है या नहीं। घी का तड़का लगाऊंगी आज, मैं मक्खन का तड़का लगाऊंगी, ठीक है। वो बना रही हूँ मैं दलिया, जैसे मैंने आपको बताया। और मेरे को ना एक कमेंट आया हुआ था कि आप जो भी चीज बनाते हो ना उसकी आप ना में मतलब नाम वगैरह बता दिया करो, जैसे मैंने वो दाल वगैरह बनाई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बता दूँ सब कुछ। जो हमने धोया ना ये जो है दलिए इसको डाल लेंगे, ठीक है। अब क्या बोला तूने? दलिया नॉट धनिया, ठीक है। दलिए को जो है ना अब हमने ब्राउन होने देना है, ठीक है। गिर गया ये गाइस, ये हो क्या रहा है, हे भगवान। हम इसको लगाते हैं यहाँ पे, और ना ये जो इसमें पानी गर्म करते हैं ना हम तरमाड़ा बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हो ना तरमाड़ा, इसकी काली इतनी बार मेरे पजामे में लगती है ना, सारा पजामा मेरा काला हो जाता है, वो भी स्पेशली ये वाला पजामा, और नहीं ना सिर्फ ये ही होगा। पौने 11 हुए हैं, 11 बजे मैंने क्या बोलते हैं घास देने जाना है भैंसों को नीचे गोद में, गौशाला तो है नहीं भैंसशाला है घर, तो वहां जाऊंगी उसके बाद आके लंच बनाऊंगी, ठीक है। बस बर्तन वगैरह मैंने साफ कर दिया, सिंक वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन कर दिए मैंने। सो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं थोड़ा नजदीक से बताऊं, ये देखो अभी ब्राउन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ये ब्राउन हो चुका है, हम इसमें अब पानी डाल दिए। अब इस पानी में पकाएंगे हम इसे, ठीक है। देख सकते हो आप चुका है ऑलमोस्ट, अब इसमें जो है हम दूध वगैरह डालेंगे, ठीक है। मैं आपको जानबूझ के यहाँ नजदीक से बता रही हूँ ताकि आप देख सको, लेकिन ढंग से आ नहीं रहा है, ये देखो पक चुका है ये। मैंने सुना ना सारा है दूध डाल दूंगी और मम्मी से आके गालियां खाऊंगी गाइस, और मम्मी मुझे मार देगी आके। मैंने सारा आप देख सकते हो बाल्टी पूरा खाली कर दिया है, ये मम्मी ने रखा होता है जब चाय बनानी हो, बहुत कुछ कामों के लगता है दूध हमारे घर में वैसे भी, तो मैंने बहुत सारा दूध डाल दिया है सारा, और मम्मी आके मुझे छोड़ेगी नहीं, और मैं बहुत खुले आती हूँ, देखती भी नहीं हूँ, खत्म भी हो जाएगा कल को भी छोड़ना है ये वाला, ये नहीं है मेरे अंदर, ठीक है। चाहे पैसे क्यों ना हो, अगर लाख रुपया होगा ना तो मैं एक दिन में लाख खर्च दूंगी।
साइकिल को भिखारी बन जाऊं। ये होता है मेरे साथ वैसे भी, रियलिटी है। एक दिन मैं बहुत अमीर हो जाती हूँ, दूसरे दिन गरीब हो जाती हूँ। अरे मनी सेव करना अभी तक तो नहीं सीखी है मैंने, तो आप देख सकते हो। और इसमें ना हम चीनी वगैरह थोड़े लास्ट में डालेंगे, ठीक है। और इसमें ना ये ना गहना है बहुत ही ज़्यादा, दूध भैंस का दूध आप पता है कितना गहना होता है। इसमें ना पानी डालना पड़ेगा मुझे, ये अभी कड़ेगा, इसमें कितना ये लगेगा। को नज़दीक से बता देती हूँ एक बार कि अभी ये कड़ेगा, कड़ने में बहुत टाइम लगेगा इसे। गाइस उबल उबल के बाहर आ रहा था इसलिए मैंने लकड़ी पीछे कर दी और मेरा ध्यान ही नहीं था इस साइड, तो मैंने देख लिया वरना सब कुछ। अब हम डालेंगे चीनी और मुझे लगता है चीनी सारी चली जाएगी। हम बोलेगी तूने चीनी भी नहीं छोड़ी, लो जो मम्मी ने स्टोर करके रखा हुआ था। ज्यादा पहिए मंगे कितने मम्मी मारी नहीं हमारी ने, मम्मी को क्या ही पता लगेगा। गाइस ऑलमोस्ट बना चुकी हूँ मैं, अब बस थोड़ी सी चीनी डालनी है और मैंने ना वरना शक्कर ही डाल दूंगी। A few moments later. दोस्तों सुबह जो है ना इतना खराब हुआ था ना, मतलब मौसम, अभी देखो आप कितनी सुंदर धूप लगी है और वाओ कैमरा रियल, भाई यकीन नहीं हो रहा मेरे फोन का कैमरा ये इतना सुंदर। सो अब मैं जो है ना घास देने जा रही हूँ और सब बुआ भी आ रही है और धूप आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी है। और ये मैं जा रही हूँ हमारा जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी भैंस वाला बहुत दूर है और ये रास्ता देख सकते हो। मैंने ना आपको वैसे बाहर के अभी कुछ व्लॉग्स बनाए नहीं है ऐसे ना। और ये देखो ये मेरा जंगल कितना प्यारा लग रहा है, दिख रहा है ना वो चील के पेड़ वहाँ पे, मेरी कालों को आप देख सकते हो। अभी मैं इसके लिए पानी लेके आऊँगी, बाल्टी यहीं पे रखी हुई है ना, तो पानी लेके आऊँगी। उसके बाद ये घास है जो लगा हुआ घास होता है ना, तो बस ये दूंगी। आप देख सकते हो इतना गुस्सा करती है ना इसने सारा, वो भी मेरे से ही। इसको रोज़ मैं ही देती हूँ घास और देखो ये क्या कर देती है सारे खाने का। मम्मी का फ़ोन आया था ना कि क्या बोलते हैं वो राशन लेके आ गए उन्हें रोड तक, तो मतलब रोड में ना आ जाना मतलब राशन वगैरह ये करने के लिए हेल्प कर। राशन इतना सारी है? इतना सारी क्या है? नमस्ते बुआ, चला मेरे भी चला ला पहली बार देखोगा आपने ना बोर उठाते हो मुझे। 15 किलो का रखा है मम्मी ने, 15 तो मैं उठा ही देती हूँ। पीछे भी आई है, कर सकती हूँ आप देख सकते हो, बैलेंस बना के भी चल सकती हूँ मैं। पता कि मैंने दलिया वगैरह बनाया हुआ है ना, तो देखते हैं। और वो मैंने वो सब कुछ डाल दिया और दूध भी नहीं छोड़ा है, तो देखते हैं मम्मी क्या बोलती है। पहले बात तो अंदर है, जल्दी कर मैं खाना बनाना फेरी। क्या बनाया रहा? ये वाला पीछे क्या दलिया? तुझे क्या लगे बुद्ध में दलिया बना कुकियो भाई बेटी है कुकरे जलिया दूध में खत्म कर रहे बाल्टू अंदर था मार देनी माऊ क्या बोला तूने चाय हम छोड़ रहा हूं बता हाँ। देख ले तू ठनकाई ने नीचे आके दे दे हां तू दिन ही चार दाए मारा था दोगड़े बा चाय पीने फिर लगन जी पता ने बोला भाई चाय दे तो थोड़ा दूध ले आता गया ते जगो भी जगह पर फ्रिज जो आई ने जगे आ दे खाली इन सुधा थोड़ा
तो मम्मी को मैंने रोक रखा था कि मैंने तेरा रिव्यू लेना है, तू खा। रिव्यू यानी कि टेस्ट कर, फिर 10 बजे केड़ा बन रहा, केड़ा बन रहा, जल्दी बोला। बहुत अच्छा स्वाद, क्या किधर चीज रही, अच्छी फीलिंग दे रही आना। मैं कोई चीज पाई थी पता नहीं लग रहा क्या पाए थे, क्या दो मिनट क्या पता लग गया। और गाइस ये मैंने दाल डाल दिया, वो क्या बोलते हैं चने थोड़े कच्चे रह गए थे, मैंने सोचा कुकर में सिटी दिला देती हूं। देखिए छाड़ रहे वैसे तो मैं थोड़ जा पा रहे, बस और इसके बाद मैं चावल रखूंगी और बस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस मम्मी मेरे को तेल लगा रही है, पढ़ने काम दिया कुछ पढ़ने काम का, तू चुप की जाए नहीं भीतर, फिलहाल तो मन नहीं है मेरा ना, ये पानी गर्म थी तो और पाई दिया स्पेन आना ले तो ना जोड़ा जोड़ा रबड़े नहीं है मैंने खुले रखा था, पता नहीं ये बर्फ होना ए बक्कोड़ी निकलो आँखें बढ़िया जी हैं, वीडियो जैसे वीडियो उनकी आँख में घुस गया और हवा लगी हुई है ना, वैसे बारिश से जैसे मैंने आपको बताया था तो धूप लगी हुई है अभी, और फिर से क्या बोलते धूप चली जाएगी और मुझे नहाना है और मैं चूल्हे के पास ही बैठे रहना है वरना मैं बीमार हो जाऊंगी। कितनी हवा लगी हुई है, सोया सोया इसको बोलने लगी हुई है सोया, काला वाला आज दिन जड़ ले ले जाओ फिर बाकी।